टॉप 10 बेस्ट ऑनगोइंग एनिमे जो आपको जरूर देखने चाहिए। तो इस साल की शुरुआत होती है, हमको काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यू एनिमे देखने को मिले, जिनमें से ज्यादातर एनिमे तो ट्रैशी थे, लेकिन इनमें से ऐसे कुछ एनिमे थे जिनको देखने के बाद में एकदम से स्वाद से आ गए। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा आज की हमारे लिस्ट की तरफ। तो आज की हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है निंजा कामुई। तो ये वाला एनिमे जब रिलीज होने वाला था तब इसके बारे में कोई भी जानता नहीं था, क्योंकि इस वाले एनिमे की ना ही कोई मानवा है ना ही कोई मांगा है, एक टाइप से ये वाला एनिमे पूरा का पूरा ओरिजिनल है। तो इस वाले एनिमे के स्पॉयलर से बचना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। पता है यार, मैं भी स्पॉयलर से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, धंधा तो बंद नहीं कर सकते ना। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं इस वाले एनिमे की। तो इस वाले एनिमे का जब मैंने पहला एपिसोड देखा था भाई, इसके अंदर इतनी ज्यादा ब्रूटल फाइट मेरे को देखने को मिली। एक टाइप से कुछ दिनों पहले हर कोई बंदा सोलो लेवलिंग की बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस वाले एनिमे का एपिसोड देखा तब भाई मुझे एकदम से मजा आ गया, क्योंकि इस वाले एनिमे के बारे में किसी ने बोला भी नहीं था ना ही किसी ने सुना था। एकदम से एनिमे आता है और पहले एपिसोड के अंदर लोगों का दिल जीत जाता है। इस वाले एनिमे के आगे आने वाले एपिसोड मुझे पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन इसके पहले दो एपिसोड काफी ज्यादा अच्छे गए हैं, जहाँ पर मैं एक टाइम के लिए इस वाले एनिमे को सोलो लेवलिंग से कंपेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर सोलो लेवलिंग के प्लॉट को देखें तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है बाकी अदर इसेकाई से। और सोलो लेवलिंग के अंदर ऐसा भी टाइम आएगा कि भाई सारे के सारे लोग उससे बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो एक ही चीज हमको बार बार रिपीट पे दिखाई जाएगी। तो छोड़ो, यहाँ पर ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, इसके बारे में हम किसी अदर वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने निंजा कामुई नहीं देखी तो उसको जाके देखो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस वाले एनिमे के दो ही एपिसोड आए हैं। अगर मैं यहाँ पर उस वाले एनिमे की बात करने लग गया तो भाई काफी सारी चीजें आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आपको इस वाले एनिमे का एनिमेशन और उसका बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। नंबर 2, सोलो लेवलिंग। तो सोलो लेवलिंग का नाम तो आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, क्योंकि उसकी जो मानवा है वो काफी ज्यादा फेमस थी। उसके बाद में जो उसका एनिमे आया वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। देखा जाए तो सोलो लेवलिंग की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिमिलर है बाकी अदर इसी के एनिमे से, लेकिन आगे चलकर हमको सोलो लेवलिंग के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए सोलो लेवलिंग जो है वो आगे आने वाली एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एनिमे के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देखने के बाद में आपको सोलो लेवलिंग जो है वो थोड़ा सा ओवररेटेड लगने लगेगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग की जो मेन फाइट्स या हम बोल सकते हैं कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का जो पावर अप होने वाला है वो तो हमको एनिमे के एंडिंग में ही देखने को मिलेगा। नंबर 3, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो ये वाला एनिमे जो है वो एक इसेकाई एनिमे है। मुझे पता है कि इस वाले एनिमे का नाम सुनने के बाद में आपको और एक हीलिंग वाले एनिमे का नाम याद आ रहा होगा, लेकिन ये वाला एनिमे उस वाले एनिमे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इस वाले एनिमे की शुरुआत होती है और जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो गलती से अपने दोस्तों के साथ में दूसरे दुनिया के अंदर रीकार्नेट हो जाता है, और रीकार्नेट होने के बाद में वहां पर उसको पता चलता है कि उसके पास में जो हीलिंग मैजिक है वो इस वाले इसेकाई वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है या काफी ज्यादा कम लोगों के पास में रहता है, और इसीलिए जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बस एक चिंदी सी हीलिंग मैजिक की वजह से काफी ज्यादा ओवर पावर बन जाता है। इस वाले एनिमे का जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और इस वाले एनिमे के अंदर आपको दुनिया भर की कॉमेडी देखने को मिल जाती है। और बात करें इस वाले एनिमे के एक्शन की तो भाई इसके अंदर का जो एक्शन है वो थोड़ा बहुत यूनिक टाइप का है, और अगर आप भी मेरे तरह ही शोनन एनिमे देख के पक चुके हैं तो भाई इस वाले एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। ट्रस्ट में ये वाला एनिमे आपको काफी ज्यादा टाइम तक अपने से अटैच करके रहेगा। नंबर 4, मैशल मैजिक एंड मसल सीजन 2। तो भाई इस वाले एनिमे के पहले सीजन के बाद में इसके सेकंड सीजन का मैं काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि पहले सीजन के टाइम मैंने हैरी पॉटर और वन पंच मैन के कॉम्बो वाले इस वाले एनिमे को देखा तो भाई मैं एकदम से शॉक रह गया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि ये वाले एनिमे ने अलग अलग एनिमे से चीजें उठाई है तो ये वाला एनिमे भी एक टाइप से बोरिंग ही जाएगा, लेकिन इस वाले एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट ने जो मेरा दिल जीता है। कहने को तो ये वाला बंदा जो है इसके पास ना कोई भी मैजिक नहीं है, फिर भी जो अपना मैश है वो अपने मसल्स के जरिए भाई मैजिक वाले बंदे को हरा देता है। मैशल मैजिक एंड मसल, ये वाली स्टोरी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट मैश की, जो कि एक मैजिक वाली दुनिया के अंदर पैदा हुआ है लेकिन उसके पास में 1% भी मैजिक नहीं है, और इसी वजह से हर कोई बंदा उसके जान के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन अपना जो बंदा है भाई वो बस अपनी मसल्स और अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ का यूज करके भाई इस वाले दुनिया को डोमिनेट करता है। तो अभी तक आपने इस वाले एनिमे को ट्राई नहीं करा है तो मैं आपको ये वाला एनिमे जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा। ऐसे कुछ एनिमे होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इनको देखने के बाद में एकदम से स्वाद से आ जाते हैं। नंबर 5, ब्लू एग्जोसिस्ट सीजन 3। तो ये वाला एनिमे जो है वो एक टाइम के लिए काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन जब से इस वाला एनिमे का न्यू सीजन आया है तब से मैंने बहुत ज्यादा कम लोगों को इस वाला एनिमे के बारे में बोलते हुए सुना है। इस वाला एनिमे के सेकंड सीजन को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए शायद से लोग इस वाले एनिमे के बारे में भूल ही चुके हैं। ब्लू एग्जोसिस्ट एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जिसके अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है रिन, थोड़ा बड़ा होने के बाद में रिन को पता चलता है कि वो सैटर्न का बेटा है जो कि डीमन किंग है। लाइक रिन जो होता है वो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन रहता है, और इसीलिए उसके जो फादर रहते हैं उसने रिन के पावर्स को एक सॉर्ड के अंदर बंद करके रखा होता है। लेकिन एक दिन रिन और बाकी सारे डीमन्स को पता चल जाता है कि रिन जो है वो सैटर्न का बेटा है,
इसलिए हर कोई उसको हंट करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फादर की जान चली जाती है। और तभी से रीन डिसाइड करता है कि उसके फादर का बदला लेने के लिए वो सैटर्न को जान से मार देगा। और इसी के अराउंड ब्लू एग्जोसिस्ट की स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। मेरे हिसाब से ये जो एनिमे है वो एक हिडन जेम की तरह है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसको नहीं देखा है। तो अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले एनिमे के पहले दो सीजन देखो, उसके बाद में बीच में एक मूवी आती है जिसको देखने के बाद में आप इस वाले एनिमे का सीजन 3 देख सकते हो। नंबर 6 माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी। तो ये वाला एनिमे भी एक किसी का एनिमे है, और जैसा इस वाले एनिमे का नाम है वैसा इस वाले एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट की पावर्स है। एनिमे के स्टार्टिंग में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक स्कूल ट्रिप के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ट्रिप के बीच में ऐसी एक चीज हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी जो पूरी की पूरी स्कूल बस रहती है वो एकदम से दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर उस टाइम बस के अंदर जितने सारे लोग थे उन सभी के पास में कोई ना कोई एबिलिटी आ जाती है। और टेलीपोर्ट होने के बाद में जिन लोगों को कोई भी एबिलिटी या स्किल्स नहीं मिली है उन लोग को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उन्हीं में से एक रहता है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसके पास में स्किल तो रहती है लेकिन उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये जो स्किल रहती है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड रहती है, जिसकी मदद से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक ही पल में किसी भी बंदे को मार सकता है। तो हाँ, इसी एक स्किल की वजह से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो इस वाले वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। तो अगर आप भी कोई ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर वाला इसी का एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है। ये एनिमे नया नया आया है तो इसको जरूर एक बार से ट्राई कर लेना। नंबर 7 क्लासरूम ऑफ द इलाइट सीजन 3। तो जब मैंने इस वाला एनिमे को देखना स्टार्ट करा था तब मुझे ये वाला एनिमे एक टिपिकल हाई स्कूल एनिमे की तरह ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस वाला एनिमे के सीजन 1 की एंडिंग आई तभी से इस वाला एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है आयनो कोजी वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैनिपुलेटर मेन कैरेक्टर के लिस्ट में आ गया। इस वाला एनिमे का पहला सीजन तो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया गया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाला एनिमे के सेकंड सीजन की तो उसके अंदर जो टास्क दिए गए थे वो मेरे लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो सेकंड सीजन के अंदर हमको आयनो कोजी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं दिखाया गया जितना फोकस हमको बाकी अदर साइड कैरेक्टर्स के ऊपर दिखाया गया था। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले एनिमे का थर्ड सीजन आ चुका है जो कि अभी तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ही जा रहा है। तो अगर आपको भी गोहान ललुश टाइप मैनिपुलेटर मेन कैरेक्टर पसंद है तो ये वाला शो भी आपको देखना चाहिए। इस वाले एनिमे के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है आयनो कोजी वो भी काफी ज्यादा बढ़िया मैनिपुलेटर मेन कैरेक्टर है। नंबर 8 मूनलिट फैंटेसी सीजन 2। तो मुझे इसी का एनिमे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज्यादातर इसी का एनिमे ऑलरेडी देख ही लिए है। उन्हीं में से ये वाला इसी का एनिमे जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट इसी का एनिमे है। इस टाइप के एनिमे की खास बात ये रहती है कि इसके अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड रहता है। और हाँ, दूसरी दुनिया के अंदर रिकनेक्ट होना और वहां पर जाके मैजिक यूज करना और डीमन किंग को हराना किसको नहीं पसंद होगा। और साथ ही साथ में इसी का एनिमे के काफी ज्यादा कम एपिसोड रहते हैं और इसके अंदर आपको कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। लास्ट के जो दो एनिमे बचे है वो भी इसी का एनिमे ही है। यहाँ पर अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे टॉप 10 न्यू इसी का एनिमे बनाना चाहिए था, जिनमें से नंबर 9 है द अनवांटेड अनडेड एडवेंचर। तो इस वाले एनिमे की शुरुआत में क्या होता है कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक डंजन में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लीजेंडरी ड्रैगन से। तो इस टाइम अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो ड्रैगन को हरा तो नहीं पाता है, और इसी के चक्कर में ड्रैगन जो है वो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को मार देता है। एक टाइप से यहाँ पर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को कर्स लग जाता है, जिसकी वजह से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो पूरा का पूरा अनडेड बन जाता है, लाइक ब्रुक जैसा बन जाता है। और यहाँ पर अभी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में कोई भी चॉइस नहीं रहती है, अगर वो इस हालत में टाउन के अंदर गया तो सारे के सारे लोग उसको अनडेड बोल के मार देंगे। और इसीलिए वो अपना ज्यादातर टाइम डंजन के अंदर ही स्पेंड करता है, जहाँ पर उसको एक चीज पता चलती है, अगर वो डंजन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो भाई उसकी एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। लाइक अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जिस मॉन्स्टर को मारेगा उसकी जो एबिलिटीज रहेंगी वो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में आ जाएगी। और ऐसी करके अगर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ओवर पावर्ड बन जाता है तो आगे चल के वो उस वाले लीजेंडरी ड्रैगन को भी हरा सकता है, और लास्ट में जाके अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी वापस आ सकता है। तो अभी तक तो मैंने इस वाले एनिमे के ज्यादातर एपिसोड नहीं देखे है, क्योंकि वीकली बेसिस पे ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे आ रहे हैं, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसको एनिमे बिंच वॉच करना पसंद है, इसलिए मैंने इस वाले एनिमे के बस 4-5 ही एपिसोड देखे है। और जितने एपिसोड मैंने देखे है उनको देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले एनिमे का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी का एनिमे होने के बावजूद इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। तो अभी टाइम आ चुका है हमारे आज के लिस्ट के लास्ट एनिमे का, जो कि है सासाकी एंड पिप्स। इस वाले एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है सासाकी, वो एक ऑफिस वर्कर रहता है, और ऐसे एक दिन वो ऑफिस से आते आते एक बर्ड को परचेस करता है जो कि एक टाइप से दूसरी दुनिया का सेज रहता है, जो कि अपनी स्पेल का यूज करके अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जहाँ पर जाने के बाद में सासाकी डिसाइड करता है कि भाई इस वाले वर्ल्ड के अंदर वो पीसफुली रहना चाहेगा, क्योंकि रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर तो वो बस काम ही करे जा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाके वो पीसफुली रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसने प्लान करके रखी थी वैसे उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो इसके बाद क्या अपना मेन प्रोटैगनिस्ट
आर्टिस्ट अपने रिटायरमेंट के बाद में पीसफुली दूसरी दुनिया के अंदर रह सकता है। ये सारी चीजें आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। तो होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।